नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। अब मैं इसके बाद अनुरोध है कि आप हमारे हम अनुरोध कर सारी चीज आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इस पर क्या कीजिए, आप लोग पहले तो धीरे धीरे इसमें लोगों को जुड़ना और शुरू कीजिए, और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे ये धीरे धीरे, जब आपने सर ने कहा कि प्रचार प्रसार होगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो ये उसमें भी आएगा, सारा कुछ पौधा बनने में समय लगेगा, तो आप समय दीजिए इसको अच्छे से। आप अपने अगर हम लोग का भी है सहयोग, भाई हम तो एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरा तो भाई वित्तीय जो भी रहेगा उससे लेन देन से संबंधित रहेगा, मनोज जी आज यहाँ जो कार्यक्रम है क्या कहेंगे आज का सबसे? इस कार्यक्रम में मिथया मंडल को हम लोग वाराणसी मिथाई मंडल को हम लोग वाराणसी में अभी नया गठन हुआ है, इस खेल को हम लोग को वाराणसी में बहुत होते हुए राज्य स्तरीय तक तुम उसको ओलंपिक ले जाना। क्या लाभ होगा इस खेल से बच्चों को? बच्चों को खेल से लाभ, बच्चों को खेल से ही लाभ है, क्योंकि बच्चे इस खेल में बहुत तेज़ी से आएँ, इसलिए हम लोग उनको बहुत तेज प्रेरित करेंगे ताकि इस ओर ज़्यादा ज़्यादा आएँ। सभी खेल में अच्छे जाते हैं, इस खेल को ज़्यादा ज़्यादा प्रेरित करने के लिए उनको ज़्यादा प्रयास करेंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए क्या कहेंगे? प्रोत्साहन का हर स्कूल में हर जगह कोचिंग किया जाएगा, हर जगह उनको प्रैक्टिस किया जाएगा, बताया जाएगा, उनको नई व्यवस्था उनको दी जाएगी ताकि खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़े, हर प्रयास किया जाएगा। मैं भी जो नई गेम स्टार्ट हुआ है बनारस में, तो मेरी इनकी यही रुचि है कि जितने भी बच्चे इसमें आएंगे और वो हमारे बनारस का नाम रोशन करेंगे, और इन लोग की प्लानिंग ये है कि मतलब हम लोग की प्लानिंग ये है कि स्कूलों में भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जिससे बच्चे आगे बढ़ें। इससे बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे? ये बनारसी के बच्चे, बनारस का ही ओनली बनारस? जी जी जी, इसमें सिर्फ बनारस का असल में है ना, ये तो बनारस के खेलेंगे, तो बनारस के बच्चे जो नेशनल में जाएंगे, यूपी की टीम बनेगी वो नेशनल में जाएंगे, नेशनल से जाएंगे तो ये ऊपर तक जाएंगे। ये किस स्कूल से लेंगे बच्चे? ये इनके कोच जो लोग हैं, जो इनके कोच लोग अपने अपने स्कूल में स्टार्ट कराएंगे गेम, अभी नया गेम आया है तो अपने अपने स्कूल में गेम स्टार्ट कराएंगे, तो जब ट्रायल होगा तो स्कूल के बच्चे जाएंगे, जो बच्चे का सिलेक्शन होगा वो बच्चे आगे, मतलब बनारस के करीब करीब सभी स्कूल के बच्चे शामिल होंगे? जी जी जी, जैसा वहाँ जैसे जहाँ जहाँ कोचिंग चालू होगी वहाँ 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 से बच्चे निकलेंगे, तो एक जगह ट्रायल होगा, ट्रायल के बेसिक के बच्चे आगे जाएंगे, नेशनल में जाएंगे, यूपी की टीम बनेगी, यूपी से फिर नेशनल में जाएंगे, क्योंकि ये मेन मुद्दा क्या है, ये ओलंपिक गेम तो है नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड गेम है, तो नया गेम है तो इसको जितना आगे, इसमें फिटनेस भी होती है भाई, इसमें कराटे वाला सिस्टम भी है, आदमी का फिटनेस भी बना रहता है, तो ये सिर्फ इसमें बनारस के ही बच्चों। इसका कोई शुल्क भी रखा जाएगा? ये तो कमेटी डिसाइड करेगी ये शुल्क क्या करेगी। ये छात्र छात्राओं दोनों के लिए है या? ये इसमें हर गेम में छः छात्र दोनों होते हैं, मैन वोमेन दोनों, हर गेम में ज़्यादातर गेम में आप देखेंगे मैन वोमेन दोनों ही रहते हैं। ये कब से शुरू करेंगे आप? ये तो अब ये सेक्रेटरी साहब अध्यक्ष जी बताएंगे कि कब से शुरू होगा, मगर ये कि स्कूलों में ये लोग चालू करेंगे, ठीक है, जितने बच्चे निकल के आएंगे फिर ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद ये बच्चे फिर आगे जाएंगे, फिर टीम बनेगी यूपी की, तो अब जितनी जल्दी हो सके इनके कोच लोग स्कूलों में अप्रूव, कब से स्कूल खुलेगा, अभी तो बच्चों का यही है, अभी तो नई कमेटी बनी है, तो उसके बाद ये जितना लोग लो मेहनत करेंगे उतना बच्चे आगे आएंगे, इसमें किसी से कुछ पैसा ना कुछ ये सब नहीं देगा। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, प्रेसिडेंट वाराणसी मैथिली एसोसिएशन। जयप्रकाश जी, ये जो खेल का स्टार्ट आपने किया है इस इंस्टीट्यूट का, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? जी मैं बस इतना बताऊंगा कि इस मुएथाई खेल को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी हाल ही में जो है रिकॉग्नाइज किया है, और डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक कमेटी ने भी इसको जो है अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। यहाँ पर बनारस में हम लोग कोचों की तैयारी कर रहे हैं, कोचों को तैयार करने के बाद उनको स्कूल वगैरह में भेज के या प्राइवेट स्तर पर भेज के उनको जो है बच्चों को जो है कोचिंग करवाएंगे, और एक टीम तैयार होगी, जैसा कि सर ने बताया कि
डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल और स्टेट लेवल और इंडिया लेवल तक हम बच्चों को ले जाएंगे। और जो बच्चे करते हैं उनका काम खेलने का है वो खेलेंगे और अपना जो भी होगा गेम के माध्यम से वो अपना हासिल करेंगे।